नमस्कार दोस्तों, आज 17 मई 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। आइए शुरू करते हैं। S&P 500 से, S&P 500 ने कल एक डोजी टाइप का स्पिनिंग कैंडल बनाया है। बहुत कोशिश की S&P 500 ने दिन के दौरान रैली करने की, लेकिन चौपी एक्शन था, वैसा ही एक्शन था जैसा कल निफ्टी में था। नैसडैक में कुछ गिरावट देखने में आई और वापस ये भी डिक्लाइंस के साथ बंद हुआ है। तो ओवरऑल जो एक रिलीफ रैली की उम्मीद थी वो बहुत ज़्यादा टेक ऑफ नहीं कर रही है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा इशू है, उससे पहले अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa.com का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें, स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। ऑल्सो हमारा एक मेंटरिंग प्रोग्राम है जो कि रीपैकेज रीलॉन्च हुआ है, जिसमें 3 दिन हफ्ते में आप हमारे साथ बैठेंगे और हमारी लेटेस्ट मार्केट स्ट्रेटजीज, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। ये एक महीने का प्रोग्राम है और इसकी डिटेल्स के लिए आपको 9871066337 पर जाना होगा। तो आज की जो खास बात है वो ये है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट 115 पहुंच रहा है, और अगर ये इस जोन के ऊपर जाता है, ये एक तरह का ब्रेकआउट जोन है जो कि 115 के आसपास है, तो अगर ये 115 के ऊपर जाता है तो बेसिकली ये एक रेंज ब्रेकआउट होगा और 130 तक जाने की इसकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि ये एक तरह का ऑयल शॉक होगा और ऑयल शॉक की वजह से हम जो है काफ़ी डिक्लाइंस फेस कर सकते हैं। 10-ईयर बॉन्ड यील्ड देखें तो वो भी 2.898 के आसपास है। बिटकॉइन और नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे जो वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कंसिस्टेंटली वैसे ही प्ले आउट कर रहा है। आज सुबह SGX निफ्टी की बात करें तो ये कुछ 15871 पे है। इसमें बहुत ये क्लियर बात है कि हम यहीं पे सपोर्ट के आसपास ही घूमते जा रहे हैं और यहाँ से कुछ ऐसी खास रैली देखने में नहीं आ रही। अब ऊपर से क्रूड भी ऊपर चलना शुरू हो गया है, तो मुझे मुश्किल लगता है कि कैसे हम कोई बहुत सस्टेनेबल रैली कर सकते हैं। आज LIC की लिस्टिंग है और उसका कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद डिस्काउंट पे वो लिस्टिंग होगी। तो अगर वो लिस्टिंग अच्छी नहीं होती, प्लस ब्रेंट क्रूड 115 पे है, तो थोड़ा सा आज मार्केट सॉफ्ट रह सकते हैं। अब निफ्टी पे बात करें तो निफ्टी में कल का दिन एक तरह का स्पिनिंग टॉप था और यहाँ भी जो लोज है
वो 15:30 के आसपास ही है सारे। तो अगर इस रेंज से एक्सपेंशन होती है, डाउनसाइड पे होती है, तो डाउनसाइड आपको 300-400 पॉइंट मिलेंगे। अगर अपसाइड पे होती है, अपसाइड पे ये रेंज जो है 16,050 के आसपास है अपर एंड, तो यहाँ पे आपको 300-350 पॉइंट मिलेंगे। ऑल दो कल काफ़ी सेक्टर पॉजिटिव थे, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव था, बट बहुत ज़्यादा जो है निफ्टी आपको अपसाइड दिखाने में नाकामयाब रहा। एडीएक्स अगर हम देखें ये एक इंडिकेटर है जो कि बहुत बढ़िया आपको डायरेक्शनल मूवमेंट का सेंस देता है। इसके बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। एडीएक्स आप देखें तो ये कितनी स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, और ये ट्रेंड काफी एक यंग ट्रेंड है क्योंकि एडीएक्स ऑलमोस्ट 27 पर है। तो मुझे डाउट है कि बहुत लंबी चौड़ी रिलीफ रैली आपकी यहाँ से बन पाएगी। तो बेसिकली यही कंसोलिडेशन करके हम नीचे जाएंगे। बैंक निफ्टी कल स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन यहाँ भी आप देखें एडीएक्स बहुत स्ट्रांग है, और इसका मतलब ये है कि किसी तरह की बहुत ट्रेंडिंग मूव इस वक्त एडीएक्स पे हम लोग देख पा रहे हैं। इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात करें तो बेसिकली ये जो लोज हैं बैंक निफ्टी पे 33,000 के आसपास, निफ्टी पे 15,730 के आसपास, ये लोज अगर नीचे की तरफ टूटते हैं तो आपको फ्रेश सेलिंग यहाँ पे मिल सकती है। आज के लिए इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात करें तो कोटक बाय कर सकते हैं, 1790 का स्टॉप, 1855 का टारगेट। बजाज फाइनेंस बाय कर सकते हैं, 5550 का स्टॉप, 5790 का टारगेट। HUL बाय कर सकते हैं, 2190 का स्टॉप, 2260 का टारगेट। एशियन पेंट सेल कर सकते हैं, 3030 का स्टॉप, टारगेट 2890 का। और ITC सेल कर सकते हैं, 257 का स्टॉप, 249 का टारगेट। तो ओवरऑल जो बात समझ आ रही है कि मार्केट्स एक चॉपी फेज में है और उसमें इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा ब्रेकआउट इवेंट होगा जिसकी वजह से बाजार नीचे या ऊपर की दिशा पकड़ेंगे। ओवरसोल्ड हैं, लेकिन ओवरसोल्ड में भी किसी तरह की रैली क्रिएट करने के लिए कुछ ट्रिगर चाहिए, लेकिन वो ट्रिगर इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि वो किस टाइप का ट्रिगर हो सकता है। तो अगर हम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी निफ्टी पे बहुत जबरदस्त और क्लियर कॉल राइटिंग 16,000, 16,100, 200 पे है। ये कॉल राइटिंग क्रॉस होना मेरे हिसाब से बहुत इजी नहीं है। 16,800 पे भी कॉल राइटिंग है, तो ऐसा नहीं है कि 16,800 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे हिसाब से ज़्यादा चांस जो है 16,800 टूटने का है, और यहाँ पे हम 15,800 टूटने का है, यहाँ पे हम 15,500 तक जा सकते हैं। अब चेंज इन OI की बात करें तो यहाँ भी कॉल साइड पे ज़्यादा एक्शन है। बेसिकली 15,900 पे
सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, और फिर शायद आपको 200 पॉइंट 16100 तक जा सकेंगे। यहाँ 15800 जाने के बाद मेरे हिसाब से नेक्स्ट सिग्निफिकेंट सपोर्ट जो है 15500 पे है। तो बेसिकली ये जो 400 पॉइंट की रेंज है 15800 से लेके 16100, 300 पॉइंट, यहाँ से 300 नीचे और 300 ऊपर दोनों तरफ जाने का स्कोप नजर आता है। बैंकों में बात करें, बैंक निफ्टी में सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है 34,000 पे, 33,500 पे दोनों पुट और कॉल राइटिंग है, तो शायद यहाँ पे कुछ स्ट्रैडल राइटिंग हो रखी है। और यहाँ सिग्निफिकेंट सपोर्ट जो है वो 33,000 के आसपास है। वो आज ब्रेंट क्रूड की वजह से देखना पड़ेगा कि ये बैंक निफ्टी पे इसके क्या असर होता है। अगर ब्रेंट क्रूड इसी तरह से ऊपर बढ़ा तो बैंक निफ्टी में जो है आपको डिक्लाइंस देखने में मिलेंगे, तो वहाँ पे निफ्टी में शायद कुछ खतरा बन सकता है। तो आज का दिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा चौपिनेस ही होगी। LIC का इशू है, ब्रेंट क्रूड थोड़ा खतरे के मार्क से ऊपर है, तो ये सब देखते हुए ये देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट्स क्या करती हैं। इस वक्त डाउ फ्यूचर्स कुछ 100 पॉइंट ऊपर है, बट डाउ फ्यूचर्स वगैरह जो है वो काफ़ी एक वॉलेटाइल स्पेस में है। रिलीफ रैली है, लेकिन बहुत शार्प रिलीफ रैली है ऐसा नहीं लगता, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बैंक करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड लक। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com की वजह से पहुंची। आज का दिन आपका अच्छा जाए।